incredible. फिल्म निदेशक अभिषेक कपूर ने कहा कि केदारनाथ की कहानी देश के प्रासंगिक मुद्दों को छूती है, लेकिन उसका इरादा विवाद भड़काने या ईर्ष्या निंदा करने का नहीं है, बल्कि मौजूदा विभाजनकारी दौर में लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने का है। सबसे खराब मानव त्रासदियों में से एक की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म मुस्लिम कुली पिट्ठू और हिंदू लड़की की कहानी है। कपूर ने कहा कि टीम जानती है कि फिल्म में जिन मुद्दों के बारे में बात की गई है वे नाजुक हैं और उन्होंने बेहद संवेदनशीलता के साथ उन्हें संभाला है। कपूर ने पीटीआई भाषा से कहा कि आप देखोगे कि आजकल जो हालात है, ये पूरा चुनाव हिंदू मुस्लिम राजनीति पर लड़ा गया। इसके बाद सबरीमाला का मुद्दा चला। आप इस फिल्म में देखोगे कि इसमें इन सभी मुद्दों को छुआ गया है। यह बहुत संवेदनशील विषय है। उनकी फिल्म में एक बार फिर धर्म की राजनीति को केंद्र में रखा गया है। कपूर की फिल्म काईपोचे में भी इस मुद्दे को छुआ गया था। यह फिल्म उन तीन युवाओं की कहानी थी जिनकी दोस्ती की परख गोधरा ट्रेन हिंसा और उसके बाद हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान होती है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ। हम समाज को केवल आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत स्पष्ट है या बात करते रहता है, इसलिए मुझे जो कुछ भी कहना होता है और मैं अपने देश के बारे में जो कुछ भी महसूस करता हूँ उसे अपनी फिल्मों के जरिए दिखा देता हूँ।